गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शर्मिष्ठा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक फेशियल स्क्रब के बारे में। ये वाला जो फेशियल स्क्रब है ये विंटर स्पेशल है। ये फेशियल स्क्रब हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारे स्किन को हाइड्रेशन देता है, जो विंटर में हमारे डल डैमेज स्किन को रिपेयर करने के लिए बहुत मददगार है, हमारे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को हटाता है और हमारे स्किन से टैन रिमूव करके हमारे स्किन में ग्लो ऐड करता है। तो इस विंटर फेस स्क्रब को आप अपने घर में जरूर ट्राई करो। ये फेस स्क्रब हर एक स्किन टाइप के लिए है, पर अगर आपकी स्किन सुपर डुपर सेंसिटिव है तो आप एक बार पैच टेस्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर पैच टेस्ट पास करने के बाद हम कोई चीज हमारे स्किन में अप्लाई करते हैं तो वो हमारे स्किन को 99% सूट करता है। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर मुझे फॉलो नहीं करते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पे भी फॉलो करना मत भूलना। तो एक बोल में मैं राइस पाउडर डाल रही हूँ, यानी चावल का पाउडर डाल रही हूँ। आप भी घर में चावल को पीस के राइस पाउडर बना सकते हो। थोड़ा खुरखुरा रखिएगा चावल को, एकदम फाइन पाउडर मत कीजिएगा। और 1 टीस्पून पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून दही। दही के तो हज़ारों फायदे हैं, स्पेशली ये हमारे एक्नी, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट, टैनिंग को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। प्लस ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइजेशन देता है, तो इसीलिए मैं दही को ऐड कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर डालूंगी, 1/2 से 1 टीस्पून के करीब आप रोज़ वाटर डाल सकते हो, जितना भी आपको लगे कि ज़रूरी है इसको एक अच्छी कंसिस्टेंसी देने के लिए। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई के फ़ायदे तो हज़ारों है, और विंटर्स में ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हमारे स्किन को नरिशमेंट देता है और हाइड्रेशन देता है, और उसी के साथ विटामिन ई के अलग से गुण तो देता ही है। और फाइनली सारी चीज़ों को मिक्स करके हमारा ये फेशियल स्क्रब रेडी है। इस स्क्रबर स्लैश पैक को फुल फेस में मैं ब्रश के हेल्प से पहले अप्लाई करूंगी। आपको ना स्क्रबर को फुल फेस में अप्लाई करना है और 1 से 2 मिनट के लिए इसको अपने स्किन के अंदर एब्जॉर्व होने देना, क्योंकि इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट है ना वो हमारे स्किन को ब्राइट भी बनाता है, टैनिंग भी हटाता है। तो इसके लिए अगर ये हमारे स्किन के अंदर एब्जॉर्व होगा तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। और आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस स्क्रब को अप्लाई कर ही सकते हो अपने फेस पे। तो फुल फेस में मैं पहले अप्लाई कर लूँगी, फिर मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा सूखने का टाइम दूंगी, फिर हम स्क्रब करेंगे ताकि जो भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और जो भी सारी चीज़ें हैं वो एकदम आसानी से निकल आए हमारे फेस के अंदर से। सो नाउ थोड़ा थोड़ा सूख गया है, सो आई विल जस्ट जेंटली स्क्रब माई फेस विथ द टिप ऑफ माई फिंगर। आप ये स्टेप बाथरूम में भी कर सकते हो, इनफैक्ट मैं कहूँगी बाथरूम में ही कीजिए, सो दैट विल रियली हेल्प कि आपका घर मैसी नहीं होगा, कपड़ा मैसी नहीं होगा। जस्ट नहाने से 5 मिनट पहले पैक लगा लो और नहाने के टाइम जाके आराम से स्क्रब करो 1 मिनट के लिए, और उसके बाद धो लो। नोज़ की यहाँ पे मेरा थोड़ा ज़्यादा ही ब्लैक हेड हो गया था, सो आई एम जस्ट स्क्रबिंग इट ऑफ। ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, अगर ज़्यादा प्रेशर दोगे ना तो आपका जो स्किन है, क्योंकि विंटर का टाइम है, ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, रेड हो जाएगा या फिर रैशेज आ सकते हैं। तो जस्ट बी वेरी जेंटल। ओके, दिस इज़ हाउ आई स्क्रब माई फेस। एक्चुअली आई जस्ट यूज़ द बेसिक फेशियल मसाज टेक्निक टू स्क्रब माई फेस, जिससे थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है, एक ही साथ स्क्रब, पैक और फेस मसाज का भी काम हो जाता है। बताओ क्या हालचाल है, दिसंबर का क्या प्लान है, 31st में क्या कर रहे हो, 25th में क्या कर रहे हो, क्रिसमस में क्या कर रहे हो। ओके गाइज, आई एम ऑल्सो लाइव ऑन माई इंस्टाग्राम, सो येस, दोज़ ऑफ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू शुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो नाउ वी आर डन विद द मसाजिंग, तो मैं अभी जाके वॉश कर लूँगी अपने फेस को। इस वॉश करने के बाद आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि आपका स्किन जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड, सफल और क्लीन बन गया है। जब ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं, हमारा फेस ऑब्वियसली क्लीन लगने लगता है। तो ये वाला क्विक एंड सिंपल वीडियो तो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करने में हिचकिचाहट कैसी, ज़रूर लाइक करो, ढेर सारा लाइक करो, ढेर सारा शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, नीचे वाला सब्सक्राइब बटन और उसके पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना, ताकि आपको कभी भी नोटिफिकेशन ना मिस करो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक है। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस।